न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के पदाधिकारियों एवं विधायकों के साथ बैठक कर आजमगढ़ हुए रवाना। लोकसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन दो प्रत्याशियों ने किया नामांकन, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी ने मतदाता एक्सप्रेस बस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पूरे शहर में घूमेगा मतदाता रथ। सदर लोकसभा सीट से मधुसूदन त्रिपाठी को कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार, कहा खत्म करिए बदअमली, लाइए जनता का राज, बीजेपी नहीं गठबंधन से है लड़ाई। भाजपा के सदर लोकसभा सीट के रवि किशन ने कैंपियरगंज विधानसभा के विभिन्न जगहों में किया रोड शो, अपने पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील, कहा दुख सुख में रहूंगा आपके साथ। सदर लोकसभा से गठबंधन प्रत्याशी रामगोपाल निषाद ने दोबारा एक और सेट में किया नामांकन, कहा एक कलम छूट गया था, सही कर किया गया है दाखिल। बिजली बिल में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए आयोजित हुई कार्यशाला, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के वाणिज्य निदेशक ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए विद्युत कर्मियों को दिए मंत्र। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी ने सदर सीट से किया नामांकन, कहा नव भारत के निर्माण के लिए हमारी पार्टी है प्रतिबद्ध। लोकसभा सदर के सीट के लिए भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी के प्रत्याशी ने किया नामांकन, कहा हिंदुत्व के मुद्दे पर है चुनाव मैदान में। और भोजपुरी फिल्म देहाती लखैरा नंबर 1 की लॉन्चिंग 26 को, कहा सामाजिक और पारिवारिक फिल्म में लोकल कलाकारों को दिया गया है जगह।